नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल ग्रीन अर्थ में। आप देख रहे हैं सुंदर सुंदर भंवरों को आकर्षित करता हुआ पुष्पों का गुच्छा। ये पौधा है टिकोमा का। टिकोमा आपको किसी भी गार्डन में दिखाई दे जाएगा, अपने सुंदर आकर्षक फूलों के गुच्छे से आपको आकर्षित करेगा। ये पौधा आप काफ़ी आसानी से घर में लगा सकते हैं और घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। आप देख रहे हैं यह कितना आकर्षक है। इस पौधा को लगाने के लिए बस आपको इसके कलम की ज़रूरत होगी, कोई विशेष सावधानी की ज़रूरत नहीं है। जैसा हम अभी आसानी से लगने वाले पौधे आपको बता रहे हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसके लिए आप कोई पतला सा एक डाल टिकोमा का लीजिए और उसको मिट्टी में लगाइए। कुल मिला के इसको मुफ्त में आप लगा सकते हैं। देखिए, आप एक पतला ब्रांच हमने लिया है, मोटे ब्रांच की आवश्यकता नहीं है। जनरली हम कलम लगाने के लिए परिपक्व ब्रांच लेते हैं, पर इसके लिए बहुत अधिक परिपक्व ब्रांच की आवश्यकता नहीं होती। अब देख रहे हो ये पेंसिल से भी पतला है। टिकोमा का पौधा एक झाड़ीदार पौधा है, पर इसकी हाइट जो है 15 से 20 फीट तक चले जाता है। ये देखिए, जो हमने ब्रांच लिया था उसको लगाने के लिए हम इस कलम में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस नीचे की ओर की कुछ पत्तियों को हम निकाल देंगे। पत्तियाँ को निकालने का कारण यह है कि वो हिस्सा मिट्टी के अंदर जाएगा और ऊपर में, चूँकि ये फ्लावरिंग सीजन का कलम है, तो ऊपर के फूल वाले हिस्से को भी हम क्या करेंगे, तोड़ के निकाल देंगे। उसके पश्चात लगभग 1 फीट का हमारा यह ब्रांच बचा हुआ है। रही बात मिट्टी की, तो साधारण गार्डन साइड में ही इसको हम लगाते हैं। कोई विशेष मिक्सचर की ज़रूरत नहीं है, नमी होना चाहिए मिट्टी में और इसको अच्छी तरह से हम मिला लें ताकि जब हम कलम अंदर डालें तो कोई अटके ना, टूटे ना कलम। इस प्रकार 2 से 3 इंच हिस्से को हम मिट्टी में दबा देते हैं और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। कभी भी कलम लगाने के बाद हमको पानी देना ही चाहिए, भले मिट्टी गीला हो, ताकि उसको पर्याप्त नमी मिलता रहे। इस प्रकार हम इसको लगा देंगे। हम इसको सेमी शेड एरिया में रखते हैं। तेज़ धूप पर पत्तियाँ सूख जाएंगी। इसकी पत्ती बहुत अधिक नाजुक होती है, बहुत जल्दी मुरझा जाती है। पत्तियों पर एक्स्ट्रा पानी का स्टोरेज नहीं रहता है, तो ज़रूरी ये है कि हम इसको शेडेड एरिया में रखें, सेमी शेडेड एरिया में रखें। डायरेक्ट धूप वहाँ नहीं आना चाहिए। ये हिस्से में इसलिए हमने रखा है तो इसमें दिन भर धूप नहीं आता, हालांकि प्रकाश पर्याप्त आते रहता है। पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया एरिया है, खासकर जून जुलाई अगस्त में। तो इस प्रकार हम इसको लगा दिए। आपको एक दूसरा मैं पौधा दिखा रहा हूँ। ये जो है लगभग 6 महीने पहले मैंने लगाया था इसको। 6 महीने में इसमें इस प्रकार से ग्रोथ आया है और फ्लावरिंग सीजन में इसमें कली भी निकलना प्रारंभ हो गया है। ठीक है, कली ना भी निकले तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है क्षेत्रीय मौसम के हिसाब से। अभी जो है नवंबर का सीजन है, नवंबर के सीजन में इसमें फ्लावरिंग हो रहा है, बहुत अधिक फूल खिल रहे हैं, आपने देखा ही है फूल। ये पौधा जो है ये मैंने लगभग 1.5 साल पहले लगाया था। आप देख सकते हो लगभग 4 फीट ऊंचा पौधा हो चुका है और ये अभी पॉलीथीन में ही लगा हुआ है। इसके लिए उचित जगह देखकर इसको ज़मीन में हम शिफ्ट करेंगे। ये कलम से उगाया ही हुआ ही पौधा है। जो मदर प्लांट आपने देखा जिससे मैंने ब्रांच काटा, वो भी कलम से ही मेरे द्वारा स्वयं लगाया गया पौधा था। हालांकि कलम का सक्सेस रेट जो है वो 50% के आसपास होता है, मतलब यदि आप 10 कलम काट कर लगाते हैं तो 5 कलम निश्चित तौर पर उगेंगे। ये देखिए कितना अधिक फूल दे रहा है, इतना अधिक आकर्षक पौधा है, राहगीरों को सतत ही सहज ही देखने के लिए अपनी ओर मोड़ रहा है। अभी बहुत अधिक इसमें भंवरे आ रहे हैं जो फूलों के रस को पी रहे हैं। बहुत सुंदर लुक गार्डन का बना हुआ है। ये पौधा गुच्छों में खिलता है, साल में बहुत अधिक समय तक इसमें फ्लावरिंग होते रहता है और बिल्कुल भी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, 0 मेंटेनेंस प्लांट है। ये गार्डन के बाहरी हिस्से में आप